मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल इतरौली। ओपन योर बुक ऑन चैप्टर 3। टुडे वी विल रीड चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 21। आफ्टर फूड, क्लॉथिंग इज आवर बेसिक नीड। फूड के बाद क्लॉथ ही हमारी बेसिक नीड है। क्लॉथ प्रोटेक्टर फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट। क्लॉथ हमें बचाता है हीट से, गर्मी से, ठंड से, रेन से और डस्ट से और इंसेक्ट से। द काइंड ऑफ क्लॉथ पीपल वियर इन वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन। लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं और अलग अलग सीजन पर, मतलब उनका जो कपड़े पहनने की हैबिट है वो डिपेंड करती है सीजन्स पर भी। जैसे कि ठंड होने पर हम लोग वूलन पहनते हैं और गर्मी होने पर हम लोग सम कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, या फिर अगर कहीं बाहर जाते हैं रेनी सीजन में तो रेनकोट कैरी करते हैं। क्लॉथ्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल। क्लॉथ्स अलग अलग मटेरियल्स के भी बने होते हैं। वी गेट दिस मटेरियल फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल। या तो हमें ये मटेरियल्स प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से। लेट अस लर्न अबाउट द स्टोरी ऑफ क्लॉथिंग स्टार्टेड। अब क्लॉथ पहनना शुरू कहाँ से हुआ, द डिफरेंट मटेरियल यूज टू मेक क्लॉथ्स एंड हाउ दे आर मेड। और क्लॉथ बनाए कैसे गए और उनमें कौन कौन से मटेरियल यूज किए गए थे। द हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। इन एंशियंट टाइम पीपल यूज टू कवर देयर बॉडीज विद द बार्क ऑफ बिग लीव्स एंड द ट्रीज ऑफ एनिमल स्किन्स एंड फर्स। पुराने समय में लोग अपनी बॉडी को कवर करते थे बार्क ऑफ ट्री से, पेड़ों की छाल से, बड़ी बड़ी पत्तियों से या फिर एनिमल की स्किन से। पीपल यूज टू जस्ट रैप दिस क्लॉथ अराउंड अस वेरियस ऑफ बॉडी इन डिफरेंट वेज। वो बस क्या करते थे, अपनी बॉडी के चारों तरफ रैप कर लेते थे इन चीज़ों को। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल डाउन, जब लोगों ने सेटल करना शुरू करा, द कम्युनिटीज में रहना शुरू करा एंड विद द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और खेती करना शुरू करा, दे लर्न टू वीव द ट्विग्स। उन्होंने ट्विक्स होती हैं पेड़ की छोटी छोटी डंडियां, एंड ग्रासेस एंड मैट्स, उन्होंने बुनना शुरू करा ग्रासेस को, उसे मैट बनाए, बास्केट बनाई एंड यूटिलिटी आइटम और अपनी ज़रूरत की चीज़ें। दे ऑल्सो यूज टू ट्विक्स ट्विस्ट वाइन्स क्लाइंबिंग एंड वो क्या करते थे, उसको ट्विस्ट करते थे एन एनिमल फ्लीक वूल कोट एन एनिमल इन टू द लॉन्ग स्ट्रेंड्स एंड दीज स्टैंड्स आर वोवन इन टू द फैब्रिक। और ऐसे ऐसे करते ही उन्होंने फैब्रिक बनाना शुरू करा। इन इंडिया कॉटन आर ग्रोन नियर द रिवर ऑफ गंगा ड्यूरिंग द हरप्पन पीरियड। हरप्पन पीरियड के टाइम पे मतलब कॉटन उगाना शुरू कर दिया था गंगा नदी के किनारे एज अर्ली एज 2500 BC के टाइम। देयर आर एविडेंसेज शोइंग द फ्लेक्स लाइनन, उनको क्योंकि जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्हें एविडेंस मिले थे लाइनन के। प्लांट एंड गिव फाइबर विच वर यूज इन इजिप्ट 7000 ईयर एगो। मतलब ये फाइबर यूज किया गया था इजिप्शियन के द्वारा कम से कम 7000 ईयर पहले। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन आर फ्लेक्स आर ग्रोन नियर द रिवर नाइल। ये नाइल नदी के किनारे उगाए जाते थे। देवर यूज टू मेकिंग क्लॉथ, जिससे कपड़े बनाए गए। इजिप्ट कॉटन एंड एट द टाइम स्टिचिंग वर नॉट नोन टू द पीपल। उस समय लोगों को सिलना नहीं आता था, दे सिंपली यूज टू ड्रैप अ बिग पीस ऑफ क्लॉथ अराउंड देम। वो जब एक बड़ा सा कपड़ा बनाते थे और उसे अपनी बॉडी में लपेट लेते थे। दिस इज हाउ द सेरीज ऑफ वॉर्न द वुमेन ओरिजिनेटेड इन इंडिया। जैसे कि आजकल वुमेन जो होती हैं वो साड़ी पहनती हैं इंडिया में, बस रैप कर लेती हैं बॉडी के चारों तरफ। इन्वेंशन ऑफ स्विंग नीडल ऑफ लीज टू द स्टिचिंग ऑफ फैब्रिक इन टू द वेरियस टाइप ऑफ ड्रेसेज एंड शर्ट्स एंड पैंट सूट्स एंड ब्लाउज स्कर्ट्स। उसके बाद नीडल से क्या हुआ, नीडल बनानी शुरू की। नीडल मतलब सुई, उससे अलग अलग तरह के कपड़े बनाए, शर्ट बनाई, पैंट सूट ब्लाउजेज एंड स्कर्ट्स। इवन टुडे फैब्रिक्स आर साड़ी धोती लुंगी एंड ऑल्सो टर्बन आर वर्न अनस्टिच क्लॉथ। इवन आज भी लोग वैसे कपड़े पहनते हैं जैसे साड़ी धोती लुंगी टर्बन्स जो अनस्टिच होते हैं बिना सिले हुए। नेक्स्ट है फाइबर्स एंड फैब्रिक्स। एनी क्लॉथ मेड फ्रॉम द यार्न एंड फाइबर्स ऑफ वीविंग निटिंग फेल्टिंग्स एंड फैब्रिक्स। जो भी कपड़े बनाए जाते हैं जैसे वीविंग निटिंग बुनना फेल्टिंग इज कॉल्ड फैब्रिक, उसे फैब्रिक बोलते हैं। फैब्रिक्स आर मेड ऑफ द लूज एंड थ्रेड ऑफ द यार्न। फैब्रिक बनाए जाते हैं एक लूज थ्रेड से जिसे यार्न बोलते हैं, मतलब धागा। यार्न कंसिस्ट ऑफ वेरी थिन स्ट्रैंड फॉर फाइबर। यार्न जो होता है वो बहुत पतला फाइबर होता है, जैसे कि फाइबर्स है। फाइबर दो तरह के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर में प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर आते हैं जो नेचर से मिलते हैं, और सिंथेटिक फाइबर में नायलॉन पॉलिस्टर।